हेलो इस वीडियो में आज हम एम एस वर्ल्ड एम सी क्यूज़ की सेकेंड वीडियो के बारे में जानेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है बिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिक्स सोल्यूशन फॉर वर्ल्ड प्रोसेसर तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए क्लिप आर्ट ऑप्शन बी वर्ड आर्ट ऑप्शन सी ड्रॉप कैप या ऑप्शन डी आल ऑफ हब तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए क्लिप आर्ट इसका सही आंसर है इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की एक्टिवेट्स दी स्पेलर तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए एफ फाइव ऑप्शन बी एफ सेवन ऑप्शन सी एफ नाइन या ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस एफ सेवन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एफ सेवन इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीच सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट If the same formatting is required in more than one location, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए ऑटोटेक्स्ट ऑप्शन बी फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन सी फ़ॉन्ट डाइलॉब बॉक्स ऑप्शन डी नन ऑफ द अब तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी फॉर्मेट पेंटर। इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है चेंजिंग द अपेयरनेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट इज कार्ड यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए प्रूफिंग ऑप्शन बी एडिटिंग ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग ऑप्शन डी ऑल ऑफ अब तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिच लैंग्वेज डज एम एस वर्ल्ड यूज टू क्रिएट माइक्रोज तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए विजुअल सी प्लस प्लस ऑप्शन बी विजुअल बेसिक ऑप्शन सी फॉक्स प्रो ऑप्शन डी एक्सेस तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी विजुअल बेसिक इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉर्मिंग इज पेज ओरिएंटेशन तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए लैंडस्केप ऑप्शन बी पोर्ट्रेट ऑप्शन सी गटअर या ऑप्शन डी ओनली ए एंड बी तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ओनली ए एंड बी इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है टू एडवांस राइट वर्ड फ्रॉम वन सेल्व टू द नेक्स्ट इन ए टेबल प्रेस द डैश की तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए टैब ऑप्शन बी बैक स्पेस ऑप्शन सी होम ऑप्शन डी एंटर तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए टैब इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीच की डिलीट दी करैक्टर टू द लेफ्ट ऑफ दी करसर तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बैक स्पेस ऑप्शन सी होम ऑप्शन डी डिलीट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बैक स्पेस इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीच की डिलीट द करैक्टर टू दी राइट ऑफ दी करसर तो यहां पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बैक ऑप्शन सी होम ऑप्शन डी डिलीट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी डिलीट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हेन यू सेव ए फाइल एज ए वेब पेज वर्ड कन्वर्ट्स द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट इनटू टू यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जावा ऑप्शन बी पर ऑप्शन सी एस ऑप्शन डी यूनिक्स तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एच टी एम एल इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ओफ स्टैंडर्ड ऑफिस योड तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसर ऑप्शन बी डाटाबेस ऑप्शन सी अमीज एडिटर ऑप्शन डी फाइल मैनेजर तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी फाइल मैनेजर इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस एल तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए लेफ्ट अलाइन ऑप्शन बी लेफ्ट एडेंट ऑप्शन सी इंक्रीज लेफ्ट मार्जिन ऑप्शन डी डिक्रीज लेफ्ट मार्जिन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लेफ्ट आलाइन इज का सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस के तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए इंसर्ट पेज हम्ब ऑप्शन बी इंसर्ट हाइपरलिंक ऑप्शन सी इंसर्ट हैडर ऑप्शन डी इंसर्ट फुटर तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इंसर्ट हाइपरलिंक इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू तो क्रिएट न्यूज़ पेपर स्टाइल कॉलम्स तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए फॉर्मेट टैब्स इसके बाद ऑप्शन बी टेबल इंसर्ट टेबल इसके बाद ऑप्शन सी इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स इसके बाद ऑप्शन डी फॉर्मेट कॉलम्स तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी फॉर्मेट कॉलम्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज़ ऑफ आल कैप्स फीचर्स इन एमएस वर्ल्ड तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए कैपिटल लेटर्स ऑप्शन बी इट एड्स कैप्शंस ऑप्शन सी शो आर दमेज कैप्शन ऑप्शन डी नन ऑफ दवाब तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कैपिटल लेटर्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है गटर पोजीशन कैन बी सेट इन फॉलोइंग पोजीशंस तो यहाँ पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए लेफ्ट एंड राइट ऑप्शन बी लेफ्ट एंड टॉप ऑप्शन सी लेफ्ट एंड बॉटम ऑप्शन डी लेफ्ट ओनली तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी लेफ्ट एंड टॉप इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच एनेवर्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सनस यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए माइक्रोस, ऑप्शन बी टेम्पलेट ऑप्शन सी मेल मर्ज या ऑप्शन डी नन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मेल मर्ज इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है होम की तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए मूव दि करसर बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑप्शन बी मूव द करसर बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ ऑप्शन सी मूव्स द करसर बिगनिंग ऑफ द स्क्रीन या ऑप्शन डी मूव द करसर बिगनिंग ऑफ द लाइन तो यहाँ पर ये जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मूव्स द करसर बिगनिंग ऑफ दी लाइन इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है एंड की तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं मूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन ऑप्शन बी मूव द कर्सर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑप्शन सी मूव द कर्सर एंड ऑफ द पैराग्राफ ऑप्शन डी मूव द कर्सर एंड ऑफ द स्क्रीन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस पेज डाउन इज यूज टू यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन ऑप्शन बी मूव द कर्सर वन पेज डाउन ऑप्शन सी मूव द कर्सर वन लाइन डाउन ऑप्शन डी मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मूव द कर्सर वन पेज डाउन इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है पेज अप की तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए मूव द कर्सर वन लाइन अप ऑप्शन बी मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप ऑप्शन सी मूव द कर्सर वन पेज अप ऑप्शन डी मूव द कर्सर वन पैराग्राफ अप तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मूव द कर्सर वन पेज अप इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो इज यूज्ड टू यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए मूव द कर्सर बिगनिंग ऑफ द लाइन ऑप्शन बी मूव दी कर्सर वन वर्ड लेफ्ट ऑप्शन सी मूव द कर्सर वन पैराग्राफ अप या ऑप्शन डी मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मूव द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस होम इज यूज टू तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए मूव द करसर टू दिग्निंग ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑप्शन बी मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन ऑप्शन सी मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ ऑप्शन डी आल ऑफ द अब तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंटरी इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस एंड इज यूज टू तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन ऑप्शन बी मूव द करसर टू दी एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑप्शन सी मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द पैराग्राफ या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मूव द करसर टू द एंड ऑफ द डाक्यूमेंट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच फाइल स्टार्ट एम एस वर्ल्ड यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए विन वर्ल्ड डॉट ई एक्सी इसके बाद ऑप्शन बी वर्ल्ड डॉट ई एक्सी ऑप्शन सी एम एस डब्ल्यू ऑप्शन डी ई एक्सी तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए विन वर्ल्ड डॉट ई एक्सी इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस एन तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए सेव डॉक्यूमेंट ऑप्शन बी ओपन डॉक्यूमेंट ऑप्शन सी न्यू डॉक्यूमेंट या ऑप्शन डी क्लोज डॉक्यूमेंट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी न्यू डॉक्यूमेंट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कंट्रोल प्लस पी तो यहाँ पे चार ऑप्शन है ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ऑप्शन बी ओपन पेज फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ऑप्शन सी ओपन सेव डायलॉग बॉक्स ऑप्शन डी ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर तो यहाँ पे चार ऑप्शन है पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन बी पेपर साइज ऑप्शन सी पेज लेआउट ऑप्शन डी ऑल ऑफ अव तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पेज ओरिएंटेशन इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए डैश इज कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिजाइन एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम्स तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए फीचर ऑप्शन बी हाइपरलिंक ऑप्शन सी डिजाइन ऑप्शन डी थीम तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी थीम इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है चेंज दी डैश टू क्रिएट डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए पेज ओरिएंटेशन, ऑप्शन बी पेज मार्जिन, ऑप्शन सी पेपर स्टाइल ऑप्शन डी पेपर सोर्स तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पेज ओरिएंटेशन इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है यू कैन डिलीट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर बाय यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए प्रेस शिफ्ट प्लस एफ सेवन ऑप्शन बी प्रेस कंट्रोल प्लस एफ सेवन ऑप्शन सी प्रेस एड प्लस एफ सेवन ऑप्शन डी प्रेस एफ सेवन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी प्रेस एफ सेवन इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोन्ट स्टाइल तो यहाँ पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए बोल्ड, ऑप्शन बी इटैलिक ऑप्शन सी अंडरलाइन या ऑप्शन डी सुपरस्क्रिप्ट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सुपर स्क्रिप्ट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन एम एस कंट्रोल प्लस एस इज फॉर यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए डिलीट ऑप्शन बी साइज ऑप्शन सी सेव या ऑप्शन डी स्पेलिंग चेक तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सेव इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है दी की एफ ट्वेल्व ऑपनस ए तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए सेव एज बॉक्स, ऑप्शन बी ओपन डायलॉग बॉक्स ऑप्शन सी न्यू डायलॉग बॉक्स ऑप्शन डी क्लोज डायलॉग बॉक्स तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सेव एज बॉक्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस जे तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए अलाइन जस्टिफाई ऑप्शन बी इंसर्ट हाइपरलिंक ऑप्शन सी सर्च या ऑप्शन डी प्रिंट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अलाइन जस्टिफाई इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सेंटर ऑप्शन बी एड प्लस सेंटर ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस सेंटर ऑप्शन डी स्पेस प्लस सेंटर तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस सेंटर इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ इन एम एस तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए डाउन कर्सर की ऑप्शन बी एंटर की ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस एंटर, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एंटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एंटर की इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए ऑप्शन ए ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन सी स्मार्ट टैक्स ऑप्शन डी ऑटो टैक्सट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑटो करेक्ट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है द रिबन इन वर्ल्ड 2007 कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए गेट्स ऑप्शन बी स्मॉलर रिबन ऑप्शन सी टैब्स ऑप्शन डी आइकन्स तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी टाइप्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्डर कैन बी अप्लाई टू तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए सेल्स ऑप्शन बी पैराग्राफ ऑप्शन सी टेक्स्ट ऑप्शन डी आल ऑफ अबव तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी आल ऑफ अबव इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बोल्ड इटैलिक रेगुलर आर नॉन एज तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए फॉन्ट स्टाइल्स ऑप्शन बी फॉन्ट इफेक्ट्स ऑप्शन सी वर्ड आर्ट या ऑप्शन डी टेक्स्ट इफेक्ट्स तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए फॉन्ट स्टाइल्स इसका सही आंसर है तो इस वीडियो में हमने एम एस वर्ल्ड एम की सेकेंड वीडियो के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी To please, subscribe my channel. Thank